लेकिन आज कि आप सब जवान हैं यहाँ पर, है ना, जवान है, और आज का जवान परेशान है। टू मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं आज के जवान को जिसने परेशान किया है। एक तो हम मिसाल टेक्स्ट बुक की तरफ भी हैं, डिजिटल दौर में भी हैं, यानी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको हमारे आबाओ अजदाद ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पर दादा अगर इस जमाने में जिंदा होके आए तो परेशान होकर दोबारा मर जाए, क्योंकि वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि डिजिटली ऐसा स्मार्टफोन आ सकता है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बंदा आराम से जो है बात कर सके देखते हुए, यानी डिस्टेंस को बंदा फील ही ना करे। ठीक है, अब हम करें तो क्या करें? ठीक है, ये क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि वो क्यों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो या कर रही हो, और ख्वातीन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि बेटा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है पता है या सुन सकते हैं? उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था ना, तो हम क्या करें, है ना। वो कहते हैं हमारे जमाने में ये चीजें नहीं थी तो तुम लोग क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हो? तो इमाम क्या फरमाते हैं, माँ बाप प्लीज अपने बच्चों को तुम अपने जमाने के मुताबिक तरबियत ना दो, उनको बच्चों को बच्चों के जमाने के मुताबिक तरबियत दो। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? डेफिनेटली पेरेंट्स को अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। आप देखें ना, हम जब भी कोई मोबाइल खरीदते हैं ना, मोबाइल खरीदने के एक साल बाद उसका अपडेट हो जाता है, आपको नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज अपडेट योर मोबाइल, अपग्रेड योर मोबाइल। इसी तरह पेरेंट्स को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। एक बात पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना, कि हर चीज बुरी नहीं होती, खैर और शर हर चीज में मौजूद होता है। तो बच्चा इस जमाने का बच्चा हो या बच्ची हो, सब क्या है, परेशान है इस टू मेनी थिंग्स टू डू वाली बात करके। तो हमने कैसे चलना है? क्या हम डिजिटली इतना अपना टाइम डिजिटल मीडिया को दें, डिजिटल दुनिया को दें कि हम अपने अतराफ से बेखबर हो जाएं? क्या ये सही तरीका है? नहीं है। या हम बिल्कुल इसका इस्तेमाल छोड़ दें? नहीं, हर चीज में बैलेंस, मियाना रवि। आपका जो स्मार्टफोन है ये एक ब्लेसिंग है बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, और से सुना आपने, स्मार्टफोन कंप्यूटर लैपटॉप आपके लिए एक ब्लेसिंग है अगर आप उसको एक ब्लेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करें। अब मोबाइल को छोड़े जरा साइड पर रखें, खाना पीना हमारे लिए क्या है? क्या है? जरूरी है ना, उसके बगैर हम जी सकते हैं? लेकिन अगर कोई ज्यादा खा रहा है ना, मिसाल आपकी नीड है ना, बेसिक नीड है, उसके लिए भी एक लिमिटेशन है। आपने कितना खाना है, क्या खाना है, किस तरह खाना है, ये बहुत मैटर करता है। यानी मैं और आप अगर जो एक जरूरी चीज है, पानी ही क्यों ना है सही, ठीक है, पानी भी जब हम ज्यादा इस्तेमाल करें ना, ज्यादा पिए तो हम पानी का भी हमें इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं। खाना पीना है उसको भी अगर हम एक्सेसिवली बगैर चेक एंड बैलेंस के खाएं तो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है ना, शुगर के मसाइल हो जाते हैं, हार्ट के मसाइल हो जाते हैं, मोटापा हो जाता है, बहुत सी बीमारियां। इसी तरह हो से सुनने बच्चों आप लोग, ठीक है, सब सुन रहे हो? एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सबके साथ बराबरी का सुलूक करना, ठीक है। अदल क्या है? हर एक को उसका मकाम देना और उसकी नीड के मुताबिक उसे डील करना। तो अभी हमने डिजिटल दुनिया में अदल से काम लेना है, मसावात से काम नहीं लेना है। यानी मेरी और आपकी जितनी डिमांड है, नीड है, मेरी और आपकी नीड क्या है? हम डिजिटल दुनिया में क्यों है? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। हम सिर्फ उस चीज को उसी हद तक रखें, अदल के साथ मामला करते चले, इंशाल्लाह इसका साइड इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसी में घुसे रहेंगे, तो डेफिनेटली एक खाना जो कि आपके बेसिक नीड्स हैं, वो भी आपके लिए जहर बन सकता है। तो पेरेंट्स को भी अपग्रेड होने की जरूरत है, और आप बच्चों को भी जो है ना वो बैलेंसिंग की जरूरत है। ठीक हो गया, बच्चों के हवाले से।